संडे स्पेशल का वीडियो आ चुका है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। हम जो भी इसमें बात करेंगे, किसी भी तरह के बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है और टिप्स तो कतई नहीं है। हम जो भी बात करें एडुकेशनल पर्पज के लिए कर रहे हैं। हम यहां से कुछ शेयर करें, आप अपनी रिसर्च करिए एंड उसके बाद हम कुछ फाइनल डिसीजन ले पाएंगे। तो आपको अपनी रिसर्च करनी ही होगी, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना होगा। स्पेशल वीडियो में स्पेशल शेयर को डिस्कस करें ना, उससे पहले आप सभी को एक दफा फिर से स्पेशल थैंक यू, क्योंकि हम जब यहां तक पहुंचे हैं, यानी अपने आपके अपने चैनल ट्रेड टारगेट ने 1000 सब्सक्राइबर पूरे किए हैं 2 दिन पहले ही, और उसका क्रेडिट हम सभी को जाता है, यानी आपका सपोर्ट और थोड़ी सी हमारी मेहनत। इसी तरह से हम कोशिश करेंगे इसी तरह से कुछ अच्छा कंटेंट आपको आपके सामने एंड आपके सजेशन तो हमेशा ओपन ही रहते हैं। जो भी आपको लगता है इंप्रूवमेंट, या फिर इस चीज को एड ऑन किया जाए या फिर इस चीज को सेपरेट किया जाए। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो को शुरू करें उससे पहले एक रिव्यू कर लेते हैं, जो 10 शेयर आपके साथ पिछले संडे को शेयर हुए थे, किस तरह से उन्होंने इस वीक में काम किया। पहला जो स्टॉक था कोटक बैंक ने इस वीक में जो रिटर्न दिया ओवरऑल 1% के आसपास। अगर वैसे देखा जाए ये सारे नंबर है ओवरऑल, यानी क्लोजिंग के बेसिस पे फ्राइडे का जो क्लोजिंग हुई थी, लेकिन एक्चुअल में जो इन सारे शेयर ने नंबर दिए रिटर्न दिए हैं वो थोड़े से अलग थे, क्योंकि दिन इंट्राडे में या फिर डे में ये किसी दिन ऊपर गए थे और किसी दिन इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो बात कर लें इसमें कई सारे शेयर ऐसे जो ऊपर जाके नीचे आ चुके हैं, लेकिन वो अलग चीज है। अदरवाइज हम सिर्फ ये देखेंगे क्लोजिंग बेसिस पे किस तरह से इन्होंने रिटर्न दिए। कोटक बैंक 1% के आसपास पॉजिटिव रहा, अभी भी जो 1800 के ऊपर है उसके आसपास है, कभी भी इसमें अपमूव आ सकता है, इसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। क्योंकि बैंक निफ्टी की अगर बात कर लें या फिर बैंकिंग के जो अच्छे शेयर है, बैंक निफ्टी भी एक रेंज बाउंड में है एंड बैंकिंग के शेयर भी एक रेंज बाउंड में, जब भी टूटेगा वो रेजिस्टेंस बड़े ही फोर्स के साथ टूटेगा, तो इसके ऊपर तो हमें नजर रहने इंपॉर्टेंट है। वही बात करें इस वीक ऐसा लगता है कि जो रेंज है या फिर बैंकिंग सेक्टर है एक अच्छा अपमूव दिखा सकते हैं, अभी देखते हैं लेकिन होता किस तरह से, मार्केट उसको किस तरह से लेता है। तो कोटक बैंक ने क्लोजिंग बेसिस पे 1% के रिटर्न दिए पूरे वीक की अगर बात करें। एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, इसने एक नेगेटिव शेयर है, 10 शेयर में से एक ऐसा शेयर है जिसने नेगेटिव रिटर्न दिया -1% के आसपास। बाकी जो आपके साथ शेयर हुआ था ग्रासिम ने ओवरऑल ऑल्दो इससे ऊपर अच्छे रिटर्न दिए थे, लेकिन जो क्लोजिंग के बेसिस में 3% के आसपास ने रिटर्न दिए थे। उसके बाद जो शेयर हुआ था आदित्य बिरला फैशन रिटेल, इसने आपको दिए 8% से ऊपर, यानी 8.42 के रिटर्न आप इससे अच्छा कह सकते हो। एंड LNTFH इसने भी आपको अच्छा रिटर्न दिए, ये ऑल दो इससे भी ज्यादा रिटर्न दे चुका था, लेकिन अभी जो क्लोजिंग के बेसिस पे दिखा रहा है 3.78, तो आप इसे भी अच्छा कह सकते हो। HDFC AMC ने 4% के रिटर्न दिए इस वीक में। HDFC बैंक सेम कोटक बैंक की तरह कोई ज्यादा इसमें मूवमेंट आया नहीं, लेकिन उसके बाद भी आप रफली इसको कह सकते हो ग्रीन में रहने में कामयाब रहा इसमें। ऑल दो कुछ ऐसी बैड न्यूज भी थी ये जो सेबी की तरफ से इंपोज किया गया था इनके ऊपर अमाउंट, उसके बाद भी आप इस चीज को नोटिस करिए, शेयर टूटा नहीं 3 से 5%, सिर्फ वहीं जरा सा डिप लिया और उसके बाद बाउंस बैक उससे भी तेजी से। तो इस चीज को आप नजर में रख सकते हो, बाउंस बैक किया तो किया और वहीं पे आके क्लोजिंग हुई, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। अभी भी जो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उनके ऊपर है। इस वीक एक्सपेक्टेशन है कि ये जो कोटक बैंक और महिंद्रा बैंक HDFC बैंक है ये अच्छा मोमेंटम दिखा सकते हैं। वही बात करें मन्नापुरम फाइनेंस, क्लोजिंग बेसिस पे तो 3.50 के रिटर्न दिए, लेकिन एक्चुअल में रिटर्न देखा जाए सिर्फ 3 दिन के, शुरू के थी मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे तक ये शेयर अपने 6% से ऊपर रिटर्न दे चुका है। नेक्स्ट मंडे को इसका मोमेंटम था 4% से ऊपर, यानी 4.403 या 30 के आसपास पहले दिन, उसके बाद ट्यूसडे का डिप एंड वेंसडे को अगेन अप आया था, यानी 3% में ये अच्छा रिटर्न दे 3 दिन में अच्छा रिटर्न दे चुका था। उसके बाद कुछ क्लोजिंग बेसिस पे ये हुआ है जो सेटलमेंट या फिर अप एंड डाउन क्लोजिंग पे अभी भी अच्छा है। इसमें एक्सपेक्टेशन अच्छी है सिर्फ 3% के लिए, इसमें तो मुझे काफी यहां से पोटेंशियल नजर आता है, इसीलिए डिटेल वीडियो भी इसमें पोस्ट किया इसी वीकेंड पे। इनको तो मैं होल्ड करने वाला हूं, क्योंकि यहां से 3% गेन के लिए मैंने इनको बाय नहीं किया हुआ है। यहां से अच्छा अपमूव आने की पूरी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, बशर्ते कि हम इसको कुछ दिनों और अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाए रखें। उसके बाद स्कॉट्स मुझे जस्ट रैली शुरू हुई और 5% का रिटर्न उसने इसी वीक दिया हुआ है। ऑल दो आखिरी ट्रेडिंग सेशन के दिन इनमें से आधे से ज्यादा शेयर -1, -1.50, यानी कि उससे ज्यादा माइनस में, यानी उसमें प्रॉफिट बुकिंग है, उसके बाद भी इन्होंने अच्छा रिटर्न। उसके बाद टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, जिसने भी आपको 4% के आसपास, वही अगर बात करें इन 10 में से जिन्होंने अच्छा किया, टाटा ने अच्छा किया, टाटा कंज्यूमर 4% प्लस, स्कॉट्स ने अच्छा किया 2, उसके बाद मन्नापुरम भी आप कह सकते हो 3, एंड उसका HDFC 4, एंड उसके बाद हमारे पास AVFRL एंड LNTFH। तो कुल मिलाकर हमारे कुछ मेजोरिटी जो शेयर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है क्लोजिंग के बेसिस पर भी, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक ने नहीं परफॉर्म किया तो उसके बेसिस पे वो हमारे पर्सनल राय हो सकती है कि हमें यहां से जो बाउंस बैक है
उस बाउंस में हमें एग्जिट लेना है, क्योंकि आपका कुछ और हो सकता है एंट्री और एग्जिट का पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा कुछ और हो सकता है, तो वही। या फिर इसमें अभी भी ऐसा लॉस नहीं है कि 10% का लॉस हो जाएगा, 1% है, इतना तो इंट्राडे में भी हो जाता है, इस पे तो इतना आप मुझे, इतना लेवरेज तो आप मुझे दे ही सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट वीक में जैसी बैंकिंग सेक्टर चलेगा ना, ये भी शेयर आपको दौड़ते हुए नजर आएगा। तो इस तरह से आई थिंक मैं कह सकता हूं कि यहां से इन्होंने एक अच्छा रिटर्न दिया है वीकली बेसिस के बेस पे। अब आपके पास इनमें से कौन से थे, आपने किस लेवल पे बाय किए हैं, वो आपका और हमारा सबका अलग अलग डिसीजन हो सकता है। जरूरी नहीं हम 10 शेयर करते तो आपको 10 में बाय करने, आपको ना इनमें जो अच्छे लगते हैं, जिसमें आपको कन्विक्शन आता है बड़े स्ट्रांग वाला कि ये शेयर तो ऊपर जाएगा रिसर्च करने के बाद, आपको उसी में हमें ये लेना है। ये नहीं कि 10 आज शेयर कर रहे हैं, 10 पहले, हर 10 में आपको करना है, नहीं, आपको जिसमें लगता है 10 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, वो हमारा पर्सनल चॉइस यहां से हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट शेयर के ऊपर, जो आज के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी अगले 10 शेयर। आज के लिए पहला शेयर है ना आवास, एक ऐसा शेयर जो बहुत ही दमदार शेयर है और बड़े ही लंबे टाइम से कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। आपके सामने अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं यहां पर, तो आपको समझ पाएंगे कि ये आप देख सकते हैं, ये एक बॉक्स था, इस बॉक्स के अंदर कई दिनों से काम कर रहा है। अभी आखिरी ट्रेडिंग डे के दिन आप यहां दो चीजों पर नोटिस कीजिए, पहली तो इस कैंडल के ऊपर एक बुलिश कैंडल है, और दूसरी बात अपने जो इस बॉक्स है, इस बॉक्स से बाहर निकल के इसने ट्रेड करना शुरू कर दिया, यानी यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज। सेकेंड आप देखिए वॉल्यूम के ऊपर, ये इस टाइम में वॉल्यूम आप देखिए और उसके बाद के अभी वॉल्यूम देखिए, अगर आप इसको रिसर्च करेंगे तो आपको यहां पर कुछ पॉजिटिव चीजें होते हुए दिखेंगी। अगर यहां से जरा सा किसी डिप में मिल जाता है आपको, या फिर तो हमारे लिए या फिर हमें मिल रहा है, तो यहां से क्या हो सकता है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, दैट विल बी एन एंट्री पॉइंट। अगर नहीं मिलता है, करंट प्राइस तो अभी अच्छा है, अभी तो जस्ट शुरू ही किया है, अभी तो इसमें बहुत सारी गैस बची हुई है, तो इसको तो रडार पे रख ही सकते हैं। लेकिन दूसरी बात, पहला केस क्या है, डिप में मिलता है अपॉर्चुनिटी होगी, दूसरी बात करंट सिनेरियो भी अच्छा है, करंट प्राइस जो है, वही बात करें, थर्ड जो एक केस है, अगर आपको बिल्कुल ही सेफ प्ले करना है तो ये जो एक लेवल है 2500 का, 2500 जैसे ही टूटेगा, यानी कि रेजिस्टेंस का काम है, कई दफा यहां से वापस गया, जैसे इसके बस सस्टेन करना शुरू करेगा आपको ये बिल्कुल रॉकेट होता हुआ नजर आएगा, जिस तरह से इसने यहां कुछ ऐसा अपमूव दिखाया था, कुछ ऐसा अपमूव आने की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। तो आपके यहां तीनों सिनेरियो, डिप में मिले डिप में ले सकते हो, 2500 के ऊपर ले सकते हो, अदरवाइज करंट प्राइस भी इतना बुरा नहीं, छोटा सा इस पर ले सकते, छोटा सा क्वांटिटी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें किस तरह से इसको प्ले करना है। चलिए अभी चलते हैं दूसरे शेयर के ऊपर, रेपको होम तो कई दफा इवनिंग अपडेट में आप सभी के यहां शेयर हो चुका है। एक ऐसा शेयर है जिसको मैं कई नीचे के लेवल से ही काफी टाइम से इसको मैं अब होल्ड कर रहा हूं, एंड बाय लो एंड सेल हाई की स्ट्रेटेजी काफी टाइम से यूज कर रहा हूं। जब ये शेयर रफली नीचे 200 उससे भी नीचे के लेवल था, अभी जो चल रहा है 371 के आसपास, 350 इसका जो है स्ट्रांग सपोर्ट है, उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, एंड इसके जो कमिंग डेज के टारगेट हो सकते हैं, अभी आप 400 पहला और उसके 450 के लिए, तो मैं एटलीस्ट को 450 के लिए इसको होल्ड और करूंगा। तो आपको किस हिसाब से छोटा गेन लेना है, बड़ा गेन लेना है वो तो हमारा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, तो ये शेयर तो रडार पे है ही। अगली बात को जो मदर्सो में एक ऐसा शेयर है जो जिसमें रिजल्ट आए थे, बेहतरीन रिजल्ट आए थे, उसके रिजल्ट के बाद ये कैंडल आपको दिख रहा है, रिजल्ट आया, प्रॉफिट बुकिंग हुई, एंड उसके बाद नेक्स्ट दिन एक डिप मारा, सेकंड डिप मारा, डेढ़ दिन के बाद अगेन ये रेडी हो चुका है अपमूव जाने के लिए, और वही बात करें अभी भी अपने 20 डे ईएमए के ऊपर है, तो यहां से इस शेयर के ऊपर नजर रहना तो बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें अच्छा एक्सपेक्टेशन या फिर पोटेंशियल बचा हुआ है पूरे के पूरे, तो इसके ऊपर आप तो नजर रख ही सकते हो। सेकंड, थर्ड जो शेयर निकल गया अशोक लेलैंड, आपके सामने क्लियरली एक चार्ट बनता हुआ, एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, किस तरह से इसने यहां पे डिप लिया था, अपने जो येलो लाइन के आसपास है वहां सपोर्ट लिया, और उसके बाद धीरे धीरे आप ये देखते हो एक बार, एंड उसके बाद ये पैटर्न बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो इस तरह से इसमें, और आखिरी ट्रेडिंग डे है उस दिन की आप कैंडल देखोगे वो भी हमें पॉजिटिव बता रही, इसलिए इसके ऊपर तो नजर रहना जरूरी है, एक अच्छा मोमेंटम आने की, सारे जो स्टॉक है हम डिस्कस करें मोमेंटम वाले हैं, इसमें एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। अगला जो शेयर है टाटा मोटर, आपके सामने ये है, रिजल्ट आया, डिप मारा, 310 के आसपास ये सपोर्ट था, उसी के एक वीडियो बनाया था जिस दिन रिजल्ट आया था कि 310 के आसपास आ सकता है, वहीं पे तक आया, और उसके बाद आप देख सकते हो अभी के दिन अगेन अपने सारे के सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है, और उसके बाद यानी कि जो 335 का जो इसका रेजिस्टेंस था वहीं से नीचे गया था 310 के आसपास, अगेन 335 के आसपास आ चुका है, यहां से इसमें पूरी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है कि 350 पे जरा सा इसको रुकना होगा तो रुकेगा, जो इसका रेजिस्टेंस का काम है, अदरवाइज इसको अप ट्रेंड की जर्नी को चालू करेगा।
तो इसको तो रडार पर रखना है, ये एक ऐसा शेयर है जो नेक्स्ट इस वीक में कमिंग में हमें कुछ प्रॉफिट बना के दे सकता है। अगले शेयर की बात करें TCS, TCS भी उतना अच्छा मोमेंटम अभी तक दिया नहीं, लेकिन अब मोमेंटम देने को रेडी हो चुका है। नीचे काफी टाइम से सपोर्ट ले रहा था इस लेवल के आसपास यहां तक, एंड उसके बाद अगेन ऊपर गया, एक हल्का ब्रेकआउट हुआ, एंड उसके बाद यहां पे सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। किस चीज पे? अपने जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वहां पे सपोर्ट लेना शुरू कर चुका है, यानी कि ये जो लेवल है यहां से इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल लग रहा है, तो ये तो रडार पे है ही। प्लस TCS एक ऐसा शेयर है जो ट्रेडिंग तो है ही नहीं, ये तो एक अच्छा शेयर है, शानदार कह सकते हो आप इसको लॉन्ग रन के लिए, लेकिन अगर लॉन्ग रन में भी छोटा पैसा कमाना है तो यहां से इसको रडार पे रख ही सकते हैं, इसमें मोमेंटम आने की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। अगला जो शेयर होगा एस्ट्रल, एस्ट्रल तो आप जानते हो इस चैनल पे कई दफा डिस्कस हो चुका है, यानी 1500 के लेवल, 1400 के लेवल से 1500, फिर उसके 1800, हर लेवल पर डिस्कस हुआ, अगेन फिर से डिस्कस होने जा रहे हैं 1900 का लेवल पे। जैसे ही 1900 के ऊपर ये सस्टेन करेगा, परसों के जिसने ब्रेक भी किया नीचे आया, ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करा, नीचे क्या है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या ये ब्रेकआउट रियल था या फिर ब्रेकआउट के बाद जो नीचे डिप आता है एंट्री लेवल, वो एंट्री लेवल है, ये चीजें तो हमें मंडे को कंफर्म हो जाएंगी। 1900 के ऊपर जैसे ही जाएगा सस्टेन करना शुरू करेगा, नहीं आएगा हाथ, जिस तरह से पहले 1400 के लेवल पर 1900 के लेवल पर है, बाकी भी नहीं आएगा, इसलिए इसको रडार पर रखना बहुत जरूरी हो चुका है। और शेयर 1% 1.5% भागता नहीं, जिस दिन ये भागता है बड़ा ही तेज भागता है, 5% के 4% तो एक ही दिन में दे जाता है, इसलिए इसको तो मेरे रडार पे हमेशा ये रहता ही है। अगली बात करें टोरेंट फार्मा, एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर डिटेल वीडियो आ चुका है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म की अगर बात करें, अपने सारे जो सपोर्ट है उनके ऊपर है और रेजिस्टेंस के जस्ट पास है, जैसे ही रेजिस्टेंस ये टूटता है, ऑल्दो एक बार वहां से वापस आ चुका है, यहां पर आप देख सकते हो एक बार वहां पर वापस आ चुका है, सेकंड ट्राई कर रहा है, यहां पे पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बनी हुई है कि इसको ब्रेक करके अपमूव आ सकता है। अभी जिस लेवल के आसपास 2800 के आसपास है, इसमें 3200 के लेवल आने की पूरी एक्सपेक्टेशन है। 3200 बोल रहा हूं तो मतलब थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें मोमेंटम चालू है, मोमेंटम वाला स्टॉक है, इसको तो रेडार पे रखना ही है, इसमें तो इनिशिएटिव लेना ही है बाइंग का जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसके बाद टाटा केमिकल आपको यहां दिख रहा है, जिस तरह से उन्हें प्रॉफिट बुकिंग आई थी धीरे धीरे, यहां पर सपोर्ट लिया था, अपने इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास यहां सपोर्ट लिया था, एंड उसके बाद आप यहां कह सकते हो इस वक्त 20, 50, 100 सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है, अगेन अपने जो ये रेजिस्टेंस के आसपास है, यानी 800 के आसपास वहां आने की पूरी कोशिश कर रहा है, अभी चल रहा है 750 के आसपास, 745 के आसपास, और वहां से 800 का वहां तक अपमूव आ सकता है, 800 पे जरा सा हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आए और उसके बाद नीचे आए, तो एक स्विंग तो हमें यहां से मिल जाएगा 800 तक, यानी 50 रुपीज पर शेयर के हिसाब से हमें यहां आने की पूरी एक्सपेक्टेशन है, और जैसे 800 टूटेगा नहीं आएगा हाथ, मतलब अगेन ये फिर से ये अपने जो है 900 की तरफ की जर्नी को शुरू कर सकता है, इसलिए इसमें मोमेंटम आना शुरू हो चुका है, जो काफी टाइम से नहीं आया था, अप्रैल से नहीं आया था, मार्च से नहीं आया था, अब वो चीज बदल गई, यहां से ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है, ये है एक शेयर। अगला बात करें HCL टेक, ये तो एक बहुत ही शानदार शेयर है, जिस तरह से मूव आता है अभी नहीं आ रहा है, आने वाले टाइम में हो सकता है, TCS में भी हमने देखा, क्योंकि काफी टाइम से हमने देखा IT सेक्टर चला नहीं है, अभी IT सेक्टर का टाइम आ रहा है, इसलिए उनके ऊपर फोकस होना जरूरी हो जाता है। अगेन ऊपर गया, 20 से ऊपर गया, यहां पे एक रेजिस्टेंस को मिला, एंड अगेन 20 डे EMA के आसपास ही सपोर्ट ले रहा है, यहां एक्सपेक्टेशन पूरी बनी हुई है कि यहां से इसमें अपमूव आने की पूरी कोशिश या फिर चांसेस बने हुए हैं, ऐसे में 936 के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अगर इसकी जो फर्स्ट टारगेट की बात करें 975, याद रखिए 975 इसका पहला टारगेट होगा, उसके बाद वो ब्रेक होगा तब 1000 के लेवल हमें आते हुए नजर आएंगे, ये इसके लेवल्स हैं। नेक्स्ट बात करें लाल पैथलब, एक ऐसा शेयर जो हमें खुश कर देगा, ऐसा सीधी बात जो हमें खुश कर देगा, बेहतरीन शेयर है आप ये कह सकते हो, काफी टाइम से ये इसी रेंज में है, कि रफ यहां से ठीक तो नहीं है, एक रेंज में है, लेकिन परसों के दिन इसने जब 2 से 3 दिन पहले इसने ये आप कह रहे हो ये कैंडल के बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया, 20 डे के ऊपर आया, सस्टेन भी किया, एंड उसके बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग इसमें आई, अगेन जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आस पास आ चुका है, यानी ब्रेकआउट के बाद जो डिप आता है उस डिप को दे चुका है, एंड जो आखिरी कैंडल बनी है वो डोजी की कैंडल बनी है, यानी यहां से एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है बाइंग के लिए। अदरवाइज ये शेयर ऐसा है, सिर्फ अगर इसने ये गैप भी फिल कर दिया ना, आप यहां से देखिए एक अच्छा खासा हमें रिटर्न यहां से बना के दे देगा, और जिस तरह शेयर है सिर्फ इतना ही नहीं जाएगा, ये बहुत आगे जाने वाला, और इसमें मोमेंटम आ चुका है, तो इसको तो रडार पे रखना ही चाहिए। ऑल्दो मेरे पास तो नीचे के लेवल से है, आप लोगों के यहां शेयर भी हुआ था पहले, लेकिन फिर से शेयर हो रहा है कि अच्छे एंट्री लेवल पे ये अवेलेबल है।
बात करें नौकरी, नौकरी के बारे में एक ही बात, पिछले कई क्वार्टर से चला नहीं है, यानी फेब से नहीं चला है। अगर अगले क्वार्टर तक ये चलते जाए तो इसमें कोई शक की बात नहीं होगी, एक क्वार्टर इस शेयर के ऊपर नाम लिखना चाहिए यहां से जिस तरह, क्योंकि अगर अभी नहीं चलाना फिर बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, इस तरह से इसमें पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अभी इस वक्त धीरे धीरे इसमें बाइंग शुरू हो चुकी है, हो सकता है जरा सा यहाँ पे अगर रुकने की कोशिश करेगा, ये लेवल जो इसका बहुत टाइम से ये लेवल है, लेकिन यहाँ से यहाँ आते हुए हमें दिख रहा है 5000 जैसे ब्रेक करेगा तो उसके ऊपर तो हाथ नहीं आएगा, लेकिन अभी भी यानी 400 यानी 4500 के 571-75 के आसपास है, वहाँ के आसपास है, वहाँ से भी 500 का मूव दे जाएगा, वहाँ पर भी हमें एक स्विंग एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है फॉर द BTST वालों के लिए या फिर पोजिशनल वालों के लिए। इसके बाद हमारे लिए ये हम कर चुके हैं HDFC बैंक में अच्छा मोमेंटम कब तक आने के जो आपने बोला है कि वो नेक्स्ट वीक जो है ये वीक में आने की पूरी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, तो इसके बाद अगर आपके पास है प्लीज होल्ड इट। काफी सारे बैड न्यूज के बाद भी इस शेयर को गिरना होता, पहले गिर चुका, अब गिरने की इसमें कोई ऐसा कोई बड़ी वजह तो दिख नहीं रही है, यहां से इसमें अपूर्व आने की पूरी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। दूसरा जो सवाल है इंडिया मार्ट इस वक्त एक बहुत ही अच्छे लेवल पर मिल रहा है, आप इसको फ्रेश बाइंग यहां से कर सकते हैं। और उसके बाद जो आखिरी आपने पूछा था सुबेक्स के बारे में, इस वक्त शेयर बहुत एक अच्छे मोमेंटम पे चल रहा है, यानी 20 EMA के आसपास सपोर्ट ले रहा है, यहां से इसमें अगर आपके पास है तो प्लीज होल्ड इट, और नहीं है यहां से फ्रेश बाइंग इसमें की जा सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर जो भी क्वेरीज होते हैं आपको कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने की कुछ कोशिश करेंगे, अदरवाइज आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स के लिए। टिल द टाइम हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू सो मच। आपके पास अभी आज हम संडे के दिन इसको पोस्ट करें, मंडे तक का टाइम है, अच्छे से अपनी रिसर्च कर सकते हैं, इनमें से जो भी आपको ठीक लगता है उनमें आप अपनी रिसर्च के बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट संडे को किसने कैसा परफॉर्म किया रिव्यू के साथ। चलिए थैंक यू सो मच।